मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। 2019 में मैंने ग्रेजुएशन की थी इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। उसके बाद ओके मैंने डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर क्वालिटी कंट्रोल में काम किया है, क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल में। मैं 17 ग्रेड पे जॉब भी करता रह गया हूँ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में, पाकिस्तान में। ओके अब मैं सऊदी अरब में काम कर रहा हूँ एज एन एनवायरमेंटल मैनेजर, काम कर रहा हूँ न्योम प्रोजेक्ट पे। सो ओके आई वॉन्ट टू स्विच टू प्लानिंग डिपार्टमेंट, आई वॉन्ट टू स्विच इन टू माई ओन फील्ड। ओके दैट्स वंडरफुल इमरान एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। बट व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव के आप इसी स्किल को क्यों सीख रहे हो? एक्चुअली मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मेरे साथ जो प्लानिंग इंजीनियर हैं वो जब प्रेजेंटेशन देते हैं तो वो जो है ना अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो मैंने एनालाइज किया है कि कंपनी को और इस तरह की और भी बहुत सी कंपनीज हैं जिनको एक ऐसे लड़कों की ज़रूरत है जो अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो मैंने इस चीज़ को पावर किया कि एक अच्छे प्लानिंग इंजीनियर की ज़रूरत है कंपनीज को, सऊदी अरब में खसूस। ओके मैं कह रहा हूँ मैंने सिविल इंजीनियरिंग की है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से, और मैं अभी मास्टर कर रहा हूँ सरहद यूनिवर्सिटी पिशावर से। सर प्लानिंग इंजीनियर का बहुत स्कोप सुना था सर, और आपके बारे में बहुत सुना था कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, इसलिए ज्वाइन किया। सर प्राइमावेरा के बारे में भी बताइए कि इसका स्कोप और इसके हम यहाँ पर सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी, मैकेनिकल भी और सिविल भी है, तो हम इसका क्या रोल होगा हमारी मैं लाइफ? आई विल बी एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरीथिंग एट द लेटर पार्ट ऑफ टुडे सेशन। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी जहीर साहब। जी आई एम जहीर अहमद, आई एम ए सिविल इंजीनियर। मैंने 2 साल इधर साइट इंजीनियर काम किया हुआ है कराची में, एंड आई वांट टू मूव गल्फ कंट्री, सो आई वांट टू ग्रो इन माय फील्ड। एंड बेसिकली एज अ साइट एंड ऑफिस वर्क में थोड़ा डिफरेंस है, सो आई वांट टू वर्क इन ऑफिस, तो आई चूज दिस कोर्स। सो आपको पहले को आइडिया था कि मैं यानी कि इस तरह के स्किल को सीखूंगा तो फिर शायद मुझे को हेल्प आउट मिल जाए, कहीं से कुछ पता चलता है, फिर ही बंदे को थोड़ी मोटिवेशन आती है। जब मैं ऑफिस में एज अ साइट इंजीनियर ऑफिस में भी जाते हैं, सो आई यूज टू सी मेनी इंजीनियर्स वर्किंग देयर, सो आई वांटेड टू वर्क देयर, तो आइडिया नहीं था कि ये स्किल्स वहां पे काम आएंगी। सो जी माई सेल्फ अब्दुल्ला। मोहम्मद अब्दुल्ला साबिर, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, बट राइट नाउ आई एम इन सऊदी अरेबिया एंड वर्किंग विद सऊदी अरामको ऑन जेजीसी एंड साइपम प्रोजेक्ट। आई एम वर्किंग एज अ प्लानिंग इंजीनियर, बट आई एम कंट्रोलिंग ऑल दिस थिंग्स ऑन एक्सेल बेसिस। सो आई जस्ट चेक योर प्रोफाइल एंड आई फॉलो योर वीडियोज ऑन व्हाट्सएप ग्रुप एंड ऑल्सो फेसबुक। सो दैट्स वाई आई ज्वाइन यू ट्रेनिंग सेक्शन बाय टूडे। सो इनशाला होप आई नो अबाउट द बेसिक्स ऑफ P6, बट आई जस्ट वॉन्ट टू लर्न अबाउट डीपली P6। मेरा नाम सैफ रहमान है और मैंने 2019 से सिविल इंजीनियरिंग की है और तकरीबन 4 साल का मेरे पास एक्सपीरियंस है बिल्डिंग वर्क्स में एज ए साइट इंजीनियर। मैं अभी सऊदी अरब मूव करने जा रहा था तो प्लानिंग इंजीनियर ये कोर्स करके ताकि एक मुझे प्लस पॉइंट मिले और एक ऑफिस जॉब। मैंने साइट इंजीनियर की तकरीबन जॉब्स की हुई है और सारी चीज़ें नॉलेज में, मैं थोड़ा ऑफिस जॉब की करना चाह रहा था कि एक व्हाइट कॉलर जॉब मिल जाए और अच्छी अपॉर्चुनिटी। ओके सैफुर रहमान, इंशाल्लाह आई विश यू ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैं सर कैसे हैं, खैरियत? अच्छा ठीक ठाक शुक्र अल्लाह। सर, माई सेल्फ नवान उल हक, आई एम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन 2020, एंड आई वॉज कीन टू लर्न अबाउट प्राइमावेरा P6, एंड आई वॉन्ट टू मूव गल्फ कंट्री एंड हायर एज ए प्लानिंग इंजीनियर देयर। ओके दैट्स ग्रेट। सो ऑब्जेक्टिव क्या है कि इसी, वैसे तो हम सब सोच रहे हैं मैं गल्फ रीजन में चला जाऊं। मैं मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ क्वेश्चन करता हूं, डोंट माइंड अबाउट इट, बिकॉज टू क्लियर आवर माइंड, टू क्लियर आवर विजन, क्योंकि ये अभी शुरुआत है। तो शुरुआत में इट इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी इन टूडे सेशन, सो आई कैन कनेक्ट विद यू पीपल। तो सिर्फ यही एक चीज होती है जिसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ। द मेजर थिंग होता पता क्या है कि इंजीनियरिंग कम्युनिटी से मैं भी बिलोंग करता हूँ एंड आई हैव मतलब 13 to 14 ईयर्स ऑफ फील्ड एक्सपीरियंस। शुरू में मेरे साथ भी वही हालात हैं जो हर दूसरे इंजीनियर के साथ होते हैं। सो बिगेस्ट प्रॉब्लम विद अस इज आवर माइंड सेट। सो ड्यू टू बिकॉज ऑफ दिस कम्युनिकेशन, ओके आई वॉन्ट टू यू नो ओपन अप द माइंड के बिहाइंड द
joining this session? What is the reason? So what actually, what is actually your objective? के प्राइमरा पी सिक्स सीखेंगे तो आप समझ क्या रहे हैं कि इससे क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा? सर अगर तो देखा जाए तो इधर पाकिस्तान में जो इंडस्ट्रीज वगैरह हैं या इधर, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैंने खुद फेस की है ये चीज़ें। इधर ज़्यादातर रोल होता है कंस्ट्रक्शन का या इस तरह का, सिविल का। तो गल्फ कंट्रीज में भी इसी तरह है, तो मैं सोच रहा था कि एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जाऊँ, पर जब से मैंने आपको सोशल मीडिया पर देखा है और आपकी वीडियोज वेबिनार वगैरह, तो उससे काफ़ी मैं ना इंस्पायर हुआ हूँ कि मैं प्लानिंग इंजीनियर एज ए वर्क करूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के मत अच्छा, पर। ये देखें यहाँ पे माइंडसेट की बात आ गई है कि हमें अभी नॉट इट इज नॉट योर फॉल्ट कि हम लोग यही समझ रहे हैं कि मैं सिविल इंजीनियर के तौर पे काम करूंगा, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के तौर पे काम करूंगा, अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ तो मैं फील्ड में भी जाऊंगा तो मैकेनिकल इंजीनियर के तौर पर काम करूंगा। मैंने अपने डेमोस्ट्रेशन के अंदर भी ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो हम इंजीनियरिंग के दौरान स्टडी करते हैं, होता क्या है कि हम एक ही क्लास के अंदर तकरीबन 200 लोग बैठ के पढ़ रहे होते हैं, वी आर सिविल इंजीनियर्स। यस पढ़ाई जहां तक पढ़ाई का ताल्लुक है, स्टडी, ठीक है, वी आर सिविल इंजीनियर्स, वी आर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, वी आर मैकेनिकल इंजीनियर्स। जब हम फील्ड के अंदर जाते हैं तो इतना हमारा माइंड सेट नहीं लोग चेंज कर पाते जो हमें पढ़ाते हैं या हमारी जो भी एक सिस्टम है। ऑब्वियसली दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, उन्हीं चीजों की वजह से आज हमें इंजीनियर कहा जाता है। बट ये यस अगर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अगर हमें 8वें सेमेस्टर के अंदर मिल जाए कि हम सिविल इंजीनियर तो हैं बट कल को हमें डिजाइन के अंदर जाना है तो वी विल बी कॉल्ड एज अ डिजाइनर। अगर हमें फील्ड के अंदर जाना है वी विल बी कॉल्ड एज अ फील्ड इंजीनियर। अगर हम कोई टेक्निकल एस्पेक्ट के अंदर काम करेंगे वी विल बी कॉल्ड एज अ फील्ड स्पेशलिस्ट, कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर, प्लानिंग इंजीनियर। सिविल इंजीनियरिंग हमसे कुछ छीन नहीं रहा। इलेक्ट्रिकल, जैसे अभी आपने कहा कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के तौर पे काम करूंगा, फिर मेरी वीडियो देखी, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ही रहेंगे, वो आपकी प्राइमरी जो एक इंजीनियरिंग या बेस एजुकेशन है, जी ऐसे। आगे फर्दर आप उसको देखें अपने स्किल बेस के ऊपर। बट आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, सो नेक्स्ट प्लीज। हेलो, आई एम अली हसन फ्रॉम लाहौर एंड ग्रेजुएटेड इन 2018 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आई हैव डन। मेरा सर 6 साल का ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस है इन डेनम इंडस्ट्री। इसमें सर ऑपरेशंस का भी मेरे पास एक्सपीरियंस है और प्रोजेक्ट्स भी मैंने जो है इलेक्ट्रिकल के काफ़ी इसमें एग्जीक्यूट करवाए हैं। तो सर जब से मैंने, पहले तो मुझे सॉफ्टवेयर का नहीं पता था, लेकिन जब से मैंने आपका वेबिनार सुना है उसके बाद आपकी प्रोफाइल वगैरह देखी तो मेरा एक इंटरेस्ट इसमें बिल्ड हुआ और फिर मैंने अपने प्रोजेक्ट मैनेजर से इस सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये प्रोजेक्ट होता है और मैं जो भी काम करता हूँ वो इसी प्रोजेक्ट के, इसी सॉफ्टवेयर के ऊपर करता हूँ, ये P6 के ऊपर। तो फिर मैंने उनसे भी फीडबैक लिया इसके बारे में, जो चीज़ें आपने बताई थी सेम जो है उनके ही रिमार्क्स थे कि ये इस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है और ये आप कर सकते हैं। और सर इसी वजह से मेरे अंदर एक शौक पैदा हुआ कि मैं इस सॉफ्टवेयर को सीखूं, जो एक मेरे मैनेजर जिस पोस्ट पे रह के ये काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर, क्योंकि अभी मैं सीनियर असिस्टेंट मैनेजर हूँ, तो इसे सीख के इंशाल्लाह एक स्किल्स भी मेरे पास होगी और मेरे अपने एक्सपीरियंस के लिए भी, और कह लें कि इंशाल्लाह आगे आने वाला मेरा जो प्लान है वो गल्फ कंट्रीज का ही है। और जिस तरह आपने गाइड किया प्लानिंग इंजीनियर के हवाले से, तो इंशाल्लाह माइंड में वही है कि इंशाल्लाह ये करके तो एज अ प्लानिंग इंजीनियर सर्व करना है। जी, माय नेम इज मोहम्मद रियाज एंड आई हैव डन ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम यूटी लाहौर। थोड़ा ऊंचा बोलेंगे? माय नेम इज मोहम्मद रियाज एंड आई हैव डन ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम यूटी लाहौर सेशन 2016 टू 2020। ओके, and currently I am working as a junior transportation engineer with the Asian Consulting Engineers at Lahore office. Okay. And previously I have experience as a site engineer, site inspector. So I have seen your videos on social media since 2 months ago. Okay. And I am deciding to done this course. While I have done essential training with LinkedIn Learning, and then for detailed learning I have joined. Hello, sir. Sir, आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। जी सर, सर माय नेम इज उमेर अशरफ एंड आई एम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड प्लस एमई इन पावर इंजीनियरिंग। तो सर बेसिकली मेरे पास 8 ईयर एक्सपीरियंस है फ्रॉम GCC। आई वर्क इन किंगडम ऑफ बहरेन एंड UAE for 8 years in MEP procurement department and as a site engineer.
So then I moved back in 2020, I guess. Then here I started my own engineering firm in the name of Iman Engineering Solutions. So in which I'm providing some of the technical services. I think I told you before, like I'm the author and installer of Higher AC to install the new all the new solution of the AC air conditioning. I have a team of technicians and supervisor around 3 to 4 people. And solar panel setup and some other construction work I also provide. So, sir, actually, the thing is that now I'm also planning to move back to UAE. And because I had one opportunity from very good reference I had from one of my relative working in Saudi Arabia, they asked me that, do you have any knowledge in prime river? And their salary was very good, around 20 to 15,000. They were offering me as per my experience. They saw my CV, but only because of Prime Vera, मैंने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, क्योंकि वो चाह रहे थे कि हमें प्लानिंग इंजीनियर पे काम करने के लिए हमें बंदा चाहिए जिसको बिल्कुल फुल ग्रिप हो सॉफ्टवेयर पे. तो वो अपॉर्चुनिटी स्टिल, वो तो कोई मसला नहीं है सर, आपको पता है अपॉर्चुनिटीज तो आती रहती हैं. तो अपॉर्चुनिटीज बहुत है. जी, वो तो बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह. तो सिनेरियो ये है कि तो सर मैं दोबारा मूव बैक करना चाहूँ, बाकी जो मेरी करंटली कंपनी है वो मैं किसी और को हैंड ओवर मैच करके, तो सो दैट आई कैन मूव ओवर देयर. तो दिस इज हाँ द एंड. और वन मोर थिंग सर, वो जो आपने कहा था कि आप लिंक्डइन पे जाइएगा, और वो एक्सरसाइज में मतलब पहले कर चुका था, आपने बताया था कि आप किसी भी पर्सन जो भी इंजीनियर है प्लानिंग इंजीनियर लिख के, तो वो एक्सरसाइज मैंने पहले काफी पहले की थी काफी इंजीनियर से पता करने की. तो काफी जो मुझे रिप्लाई आया जो भी इंजीनियर से मैनेजर लेवल, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है अब मैं मैनेजर लेवल पे जाना चाहता हूँ, अराउंड 12 ईयर तो मुझे हो गया 10 11 में. तो काफी ने मुझे यही रिकमेंड किया कि यू शुड नो, यू शुड हैव अ नॉलेज अबाउट प्राइम रिवर और द कोस्ट मैनेजमेंट एंड ऑल सच थिंग. तो अब तो दिस तो मैं बिल्कुल मोटिवेट हूँ कि मुझे ये लर्न करना ही पड़ेगा अगर मुझे मूव बैक होना पड़ेगा, अगर मैं दोबारा यूएई या सऊदी अरब में मूव. हम ताहिर है, मैं मंडी बहाउद्दीन से बिलोंग करता हूँ। ओके मैंने सिविल इंजीनियरिंग की है 2021 में, एनएफसी फैसलाबाद एफिलिएटेड विद यूटी लाहौर। तो मेरा ओके साइट का एक्सपीरियंस है टू कंपनीज में, हबीब रफीक, हबीब कंस्ट्रक्शन में और खालिद रोह में। तो सर, मैंने साइट पे देखा है कि वहाँ पे इंजीनियर की कोई वक्त नहीं है, ना समझते हैं ना कुछ जानते हैं। तो फिर मैंने काफ़ी अरसे से मैं इस जो है ना सर्च में था कि कोई ऐसा कोर्स मिले या कोई ऐसा ट्रेनर हो जो एक प्रॉपर प्रोजेक्ट बेस्ड जो है ना ट्रेनिंग करवाए। तो फिर मैंने देखा भाई डिमांड किस चीज़ की है, प्लानिंग की इंजीनियर की थी। तो हमारी भी कंपनी में थे तो वो बड़े आराम से बैठे रहते थे, मतलब ऑफिस जॉब है लेकिन मशक्क़त तो थी ना, तो बंदा ऐसा चाहिए था। तो फिर मैंने वो कोशिश की कि भाई कुछ सर्च करें, तो आपकी एडवर्टाइजमेंट देखी मैंने। और फिर आगे जो मेरा प्लान है मुस्तकबिल में, जो MSCB कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में ही है, ठीक बाहर है. है या कहीं भी है, तो मैंने कहा इधर से एक लाइन बनाए तो आगे फ्यूचर में फ़ायदा होता है, चाहे जहाँ पे करियर शुरू करना है या बाहर है कहीं भी है। तो इसलिए मैंने इसको स्किल को जो ना सीखने का इरादा किया। ओके अरहम, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई विल यस एक्सप्लेन सर, यू एवरीथिंग ऑन द थैंक लेटर यू सर. पार्ट ऑफ टुडे सेशन। सो यस, नेक्स्ट प्लीज, एनी अदर स्टूडेंट, अभी काफी वसीम नजर आ रहे हैं मुझे। सलाम वालेकुम. जी मुर्तजा जी, वालेकुम सलाम। जी, मेरा नाम मोहम्मद मुर्तजा है, मैं इंडिया से हूँ. तो बेसिकली मैं वर्क कर रहा हूँ सऊदी अरेबिया में एज ए सिविल साइट इंजीनियर. मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है 2021 21 में, बट दो साल एक्स्ट्रा काम एक्स्ट्रा पढ़ाई की है क्योंकि वो बैकलॉग्स वगैरह थे, तो 2 साल एक्स्ट्रा हो गए. तो 2018 से मैंने काम करना शुरू किया है सऊदी अरेबिया में. पहले मेरे विलास का प्रोजेक्ट था, उसमें मैंने एज ए सिविल जूनियर सिविल साइट इंजीनियर काम किया. फिर अभी मेरा रिसेंट जो चल रहा है वो मिस्क रियाद में मोहम्मद बिन सलमान का प्रोजेक्ट है, उसी में काम कर रहा हूँ मैं. तो यहाँ सबको पता है कि साइट इंजीनियर की वैल्यू क्या है, तो हर कोई यहाँ पे अपग्रेड होने आया, ऑब्वियस सी बात है. तो मेरा भी वही प्लान है कि एक ऑफिस जॉब मिल जाए तो बेहतर होगा, और ऑब्वियसली एक 5 साल का साइट एक्सपीरियंस मिल चुका है जितना भी अलहमदुल्ला थोड़ा बहुत. अब मैं इंशाल्लाह दुबई में होने के लिए सोच रहा हूँ. तो मैंने आपका पेज देखा, आपके वीडियोस देखे, तो मैंने कहा फौरन ज्वाइन कर लिया मैंने. तो अब देखते हैं इंशाल्लाह. ओके, थैंक यू मुर्तजा फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड आई विश यू ऑल द सलाम बेस्ट। वालेकुम सर. नेक्स्ट प्लीज जी वसीम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं जरा कनेक्ट
करने में थोड़ा सा लेट हो गया, फिर काफी बीच में मसला आ रहा था, तो मैंने अभी काइंड मतलब कनेक्ट किया है, तो आपने अगर कुछ पहले फरमाया होगा तो दोबारा रिपीट कर दीजिएगा अगर। नहीं अभी कुछ नहीं कहा, अभी सब लोग अपने अपने बारे में बता रहे हैं, अभी हमने इसीलिए कुछ कहना है तो वो अभी अभी आएगी बारी हमारी। अच्छा आप बताएं अपने बारे में क्या हाल है, अब क्या करते हैं, अपना इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं जी, आप भी बताएं अपने बारे में। सर, मैं बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग की है, 2022 में ग्रेजुएट हो गया था, उसके बाद बाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी से मुल्तान से ही मैंने स्ट्रक्चर के अंदर मास्टर्स शुरू कर दिया था। अभी लास्ट मंथ ही कोर्स वर्क मेरा कंप्लीट हुआ है और अब रिसर्च वर्क की तरफ जा रहा हूँ। ओके दैट्स वंडरफुल वसीम, एंड क्यों सीखना चाहते हैं प्राइमरी फिजिक्स? सर, प्राइमरी सीखने की दो मेन रीजंस हैं कि एक तो सर फील्ड की जॉब मैंने कुछ अच्छा की है, उसके बाद ना मेरी बस हो गई थी फील्ड एक्सपीरियंस, अच्छा तो उसके बाद फिर कुछ मुझे वैसे भी मतलब ऐसा है कि मुझे एलर्जी है, धूप से एलर्जी है, और सिविल इंजीनियर का काम होता है धूप में। सर अब मुझे कोई ऐसी फील्ड चूज करनी थी कि जिसके अंदर मैं मेरा बाहर का जो इंटरेक्शन है ना वो कम से कम। तो अब मेरे पास जैसे दो ही ऑप्शंस है, या तो मैं ये प्लानिंग इंजीनियरिंग की तरफ चले जाऊं या फिर मैं स्ट्रक्चर की डिजाइन की तरफ, डिजाइन या प्लानिंग, ये दो ही काम है जो ऑफिस के अंदर बैठ के होते, अदरवाइज आपको साइड पे होना पड़ना था। तो जी बस जी सर इसी को बिल्कुल, मद्देनजर रखते हुए अब मैं इसी निश में वेरी कुछ। ऑनेस्ट, वेरी फेयर एंड ऑनेस्ट रिव्यू बाय वसीम, एंड आई रियली रिस्पेक्ट योर थॉट, इट्स योर बेसिक राइट के नहीं भी अच्छा लगता साइड के ऊपर एक अरसा, ठीक है, बट आफ्टर दैट यू वांट टू मूव टू यू नो गल्फ रीजन एज वेल एज हेड ऑफिस काइंड ऑफ जॉब्स, सो विश यू ऑल द बेस्ट वसीम, एंड नेक्स्ट प्लीज आई वुड प्रेफर के जो भी नए नए लोग भी आ रहे हैं अपना इंट्रोडक्शन जल्दी से करवा दें ताकि वी प्रोसीड सर टूवर्ड्स। जी हारून, कैसे सर? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसे हैं? ठीक है, है सर, अल्लाह का शुक्र। सर मेरा नाम मोहम्मद हारून है, मैंने इंजीनियरिंग की थी मैकेट्रॉनिक्स में, वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज से 2018 में। ओके। उसके बाद मैं एज ए टेलीकॉम इंजीनियर काम करता रहा, एज ए इंटर्न ही काम किया, पहले पीटीसीएल में, उसके बाद मैं एक अवावे का सब कॉन्ट्रेक्टर नेटकॉम, उसमें मैंने काम किया 2 साल एज ए टेलीकॉम साइट इंजीनियर। उसके बाद पाकिस्तान में एक कंपनी के साथ एज ए इलेक्ट्रिकल साइट इंजीनियर काम किया, उसके बाद ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में रहा, फिर अभी मैं दुबई आ गया हूँ यहाँ पे एज ए प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर काम कर रहा हूँ। ओके दैट्स वंडरफुल। तो प्राइमावेरा सीखने का बेसिकली मुझे इस तरह से हुआ कि मुझे अपॉर्चुनिटीज मिली हैं कुछ, लेकिन वो मोस्टली P6 का वो डिमांड करते थे, सैलरीज अच्छी थी, मुझे मतलब नो हो बिल्कुल भी नहीं थी P6 की। तो फिर आपकी मैंने देखी, यूट्यूब पे वीडियोस देखी, आपकी इंस्टाग्राम पे भी आपकी वीडियोस देखी, उसके बाद फिर मैंने यही सोचा कि अभी इसको कर लूँ, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज अभी भी मुझे मिल रही हैं। मेरे कुछ दोस्त हैं कंस्ट्रक्शन में जो काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ अटैच है, और उसके अलावा मोस्टली जो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं वो साइट की होती हैं, वो प्रोजेक्ट इंजीनियर या प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर भी अगर आ रही होती है अपॉर्चुनिटी, लेकिन वो साइट पे मांगते हैं बंदा। तो दुबई के हालात इस तरह, यहाँ इतनी गर्मी है कि मैं, मेरा बिल्कुल अब दिल नहीं है कि मैं अगले साल धूप में जाके इस तरह काम करूँ, बस एक ऑफिस जॉब चाहिए। काम करना आता है, प्रोजेक्ट मैनेज करना आता है, सारा कुछ आता है, सिर्फ एक चीज की कमी है P6 की, और इस तरह एक मैनेजमेंट जो टूल्स है उसकी, तो वो ओके इंशाल्लाह अभी अल्लाह वेरी करे। थैंक क्लियर इंशाल्लाह, एंड विश यू ऑल द बेस्ट, यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट ऑफ अमेजिंग यू थिंग्स सर। अरुण। नेक्स्ट प्लीज जल्दी से मुझे बताएं कितने लोग हो गए, कितने रह गए, काफी टाइम गुजर गया, आधा घंटा हो गया जी, जल्दी से प्लीज। है कोई बंदा और भी? अबू बकर इफ्तखार इज नॉट इंट्रोड्यूस्ड येट, प्लीज अबू बकर, एनीबडी प्लीज मुझे बताइएगा, अभी काफी लोग मुझे नजर आ रहे हैं जिन्होंने इंट्रोडक्शन नहीं करवाया, अगर जी जी हेलो, वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सर, सलाम जी आई एम शकील हियर। जी आई डन माय डीए इलेक्ट्रिकल 2022। राइट नाउ आई एम वर्किंग एज अ इंजीनियरिंग टेक्नीशियन ऑटोमेशन यूएई। सो ओके आई वांट टू बिकम अ प्लानर इंजीनियर। आई वांट टू रिसेंटली आई डन माय निबोश आयोश एंड नाउ आई वांट टू मूव सऊदीया। ओके So I think this project is best for me to learn. ओके ओके शकील, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस थिंग, इवन फॉर डिप्लोमा होल्डर्स दे कैन गेट मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ दिस स्किल लर्निंग, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट आई वुड रिक्वेस्ट के मुझे अभी आधा घंटा हो गया है, सो हमें अगले आधे घंटे के अंदर भी बाकी चीजें कंप्लीट करनी है, ठीक है? तो मुझे एक दफा आप लोगों की तरफ से यस का चैट बॉक्स के अंदर, बिकॉज दिस सेशन मैंने आज आपको समझाना भी है,
आपको बहुत सारी चीजें आज समझानी है कि किस तरीके से आने वाले 30-40 दिन के अंदर हमें इन चीजों को समझना है, लेके चलना है। तो आई थिंक के बहुत सारे लोग का भी इंट्रोडक्शन रहता है, तो अगर रहता है तो प्लीज जल्दी से अपना माइक ओपन कर, ठीक है? अगर हो चुका है सबका देन आई कैन प्रोसीड। ओके, आई थिंक हो चुका है। और अगर आप समझते हैं आपके माइक में मसला है, कोई बोलेंगे तो आप चैट बॉक्स के अंदर प्लीज अपना इंट्रो दे दें। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल अबाउट माई सेल्फ। दिस इज इंजीनियर वकास अहमद। मैं अपनी वीडियो थोड़ी सी ऑफ करने जा रहा हूँ अभी, आई गेस के 1 मिनट। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके जी, सो आई गेस के अभी आई एम गोइंग टू टेल यू पीपल अबाउट माई सेल्फ। दिस इज इंजीनियर वकास अहमद, और आज के इस सेशन के अंदर आई एम गोइंग टू हेल्प यू पीपल। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ, मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? सबसे पहले प्लीज मुझे चैट बॉक्स में यस बता दें, अभी आवाज पहले से भी क्लियर हो गई होगी, ठीक है? तस्वीर नहीं नजर आ रही होगी, लेकिन मेरा ख्याल है आर यू पीपल ओके विद दैट? और आपको पिक्चर भी शो होनी चाहिए, मुझे एक दफा आपका कंफर्ट जोन जानना है। वो माइक के साथ ना, मेरा कैम के साथ एक माइक है, तो दैट्स व्हाट इज मेकिंग लो वॉइस। सो नाउ मेरी बोलने की आवाज है अभी, ठीक है? आर यू पीपल ओके विद दैट? ओके, दैट्स ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अबाउट माइक जॉब कैरियर जर्नी। सबसे पहले तो आज के इस सेशन के बाद आप लोगों ने क्या करना है, यू हैव टू रिवाइज डेमो सेशन, ठीक है? सबसे पहले चैट बॉक्स में मुझे बता दें कि डेमो सेशन, जिस जिसने इस सेशन को भी, हमारा जो वेबिनार हुआ है, डेमो का मतलब ही है वेबिनार, जो इस संडे को वेबिनार हुआ, किस किसने वो वेबिनार देख लिया एक दफा मुझे चैट बॉक्स के अंदर बता दें कि यस यस करके, ताकि मुझे पता चल जाए कि जी कितनी परसेंट लोग हैं जिन्होंने वेबिनार देखा है। सो दिस वेबिनार जी इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पास लिंक मौजूद है, आप उस लिंक को या तो एडमिन ने मेरा ख्याल है ग्रुप के अंदर शेयर कर दिया हुआ, उस इसको दोबारा देखना है। वाई? बिल्कुल बिल्कुल, जिन्होंने नहीं देखा दे कैन मेक चैट नोट, ठीक है? अच्छा, जब भी आपने कुछ सेशन मेरा अटेंड करना है, जब भी कुछ सेशन अटेंड करना है, तो कीप नोटबुक विद यू। क्या करना है, जब भी कोई क्लास आपने लेनी है, अगर अभी भी आपने नोटबुक पास रखी है, दैट इज ग्रेट, क्योंकि दिस थिंग इज गोइंग टू हेल्प यू। आपको इस आज के सेशन का मैं लिंक दूंगा, तो आपने क्या करना है कि नोटबुक इज वेरी इंपॉर्टेंट, बाय एक पेन और नोटबुक। जब भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बजाय इसके कि लैपटॉप ओपन करके प्राइमेवेरा P6 पे काम करने की बजाय, यू शुड मेक योर नोट्स, व्हाट जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, बिल्कुल उसी तरीके से आपने अपने नोटबुक के ऊपर चीजों को ड्रॉ करना है, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। इसको हम बोलते हैं माइंड मैपिंग। क्या बोलते हैं? ये माइंड मैपिंग इज गोइंग टू इंश्योर दैट 90% सक्सेस ऑफ माई पीपल। माइंड मैपिंग, जो भी मैं यहाँ पे उल्टी टेढ़ी सीधी लाइनें, फ्लो चार्टिंग वगैरह मैं लिखूंगा, तो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू पीपल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ये चीजें क्लियर हो गई? एक तो आज के सेशन के बाद आपने जो वेबिनार है उसका लिंक दे दिया गया, उसको आपने एक दफा रिवाइज करना है। एंड द एनी लेक्चर फर्दर ऑन यू हैव टू कीप वन नोटबुक एंड पेन विद यू टू मेक माइंड मैपिंग। और फिर एंड पे, हर सेशन के एंड पे जैसे ही क्लास खत्म होगी, यू आर गोइंग टू शेयर विद मी, क्योंकि क्लास के दौरान अगर आपने वो चीजें लिखी हैं, तो अल्टीमेटली आप जल्दी से उनकी तस्वीरें लेके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एज एन असाइनमेंट मुझे शेयर कर दिया करेंगे। अगर ये वाली एक्सरसाइज आप करेंगे, आई एम गिविंग यू 80% श्योर सक्सेस रेट कि आप बड़े अच्छे तरीके से, चीजें मुश्किल होंगी नहीं आपके लिए, ठीक है? क्लियर हो गया? नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू पीपल अबाउट माई सेल्फ। माई नेम इज इंजीनियर वकास अहमद, एंड आई स्टार्टेड माई जॉब कैरियर जर्नी बैक इन 2010, एंड अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट गेट जॉब फॉर द फर्स्ट 1 ईयर, बट दिस थिंग हैपन टू मी वेरी लकी, बिकॉज एक साल जॉबलेस रहने के बाद आई मूव टू UAE, नॉट ऑन जॉब वीजा बट ऑन विजिट वीजा। विजिट वीजा पे क्या सीन था, आई गॉट वन विजिट वीजा सेम लाइक यू पीपल आर गेटिंग फ्रॉम योर रिलेटिव्स। पैसे तो दिए, इवन के आई पेड फॉर एवरीथिंग, बट आई डिड नॉट हैव एनी आइडिया कि यार UAE के अंदर, मुझे यही था कि यार वहां पे जो लोग भी जाते हैं ना, वो उनको नौकरी मिल जाती है, ठीक है? जैसे आज के सेशन के अंदर बहुत सारे लोग ये सोच के आए हैं कि हम गल्फ रीजन के अंदर जाएंगे, और बहुत सारे लोग ऑलरेडी गल्फ रीजन के अंदर हैं, दे वॉन्ट टू अपग्रेड देयर जॉब कैरियर। आई 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 नो अबाउट दीज थिंग्स। वाई? मोर देन एनी बडी एल्स लोग मुझे पूछते हैं कि यार आप अच्छे ट्रेनर कैसे हैं, बिकॉज
मैंने ये खज्जल खराबी 2010 में देख ली है एंड आई गॉन थ्रू दैट टाइम इन वेरी प्रोडक्टिव वे। वहां पे मुझे किस तरीके से जॉब हंटिंग करनी पड़ी, आई कैन गाइड यू पीपल विदाउट स्किल लर्निंग। इफ यू आर मेकिंग योर विजिट वीजा टू यूएई, इट्स टोटली वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ टाइम। व्हाई? बिकॉज पाकिस्तान इंडिया के अंदर आपको नौकरी नहीं मिल रही एंड यू आर थिंकिंग यू विल मूव टू यूएई, सऊदी अरब, कतर, ओमान एंड यू विल गेट जॉब देयर। नॉट एट ऑल। व्हाई? बिकॉज अपने कंट्री के अंदर आपका सिर्फ अपने लोगों के साथ कॉम्पिटिशन है। जब आप यूएई, सऊदी अरब, कतर, ओमान के अंदर जाएंगे ना, वहां पे सारी नेशनैलिटीज हैं। यू आर गोइंग टू कम्पीट विद इंडियन इंजीनियर्स, यू आर गोइंग टू कम्पीट विद पाकिस्तानी पीपल, यू आर गोइंग टू कम्पीट विद बांग्लादेश के इंजीनियर्स, यूरोप के इंजीनियर्स, ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल आर देयर इन हंटिंग द जॉब। दिस इज क्लियर? मेरे साथ भी ऐसे ही था, ठीक है? अच्छा, मरता क्या ना करता, जब आप यूए का विजिट वीजा लगाते हैं तो आप एक अच्छी रकम, आज के दौर में अगर आप देखें तो 6 से 7 लाख रुपए का खर्चा 3 महीने का विजिट वीजा। सो हम लोग क्या सोचते हैं कि एक 20,000 या 25,000 का स्किल नहीं सीखना, ये 6 से 7 लाख रुपया लगा के हम चले जाते हैं, ठीक है? अब होता क्या है कि जब आप वहां पे लैंड करते हो, 3 महीने आपके ऐसे गुजरते हैं, मतलब पता ही नहीं चलता ना। 3 महीने का मैक्सिमम कितने महीने का विजिट वीजा होता है? 3 मंथ्स, ठीक है? अब इस 3 महीने के पता ही नहीं चलता। अब एंड पे आपको कोई ऐसी थक्कड़ सी जॉब ऑफर होती है, कोई टेक्नीशियन की या कोई ऑपरेटर की या कोई असिस्टेंट इंजीनियर की, आप कहते हो यार 3,000, 4,000, 2,000 दिरहम, 3 से 4,000 दिरहम यूजुअली तौर पे, इससे भी कम आपको ऑफर होते हैं, आप कहते हैं चले यार मुझे नौकरी तो मिल रही है, मैं ये नौकरी ज्वाइन कर लेता हूँ। मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। आई एम एक्चुअली नरेटिंग माई जॉब कैरियर स्टोरी विद यू पीपल, ठीक है? लेकिन फिर आपके अंदर में एक तसल्ली आ जाती है, आप कहते हो यार ठीक है 3 से 4 हजार दिरहम की सैलरी मुझे मिल जाएगी, अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे पांव जमा लेता हूँ और जब मेरे पांव सही तरीके से यहाँ पे जम जाएंगे फिर मैं क्या करूंगा, अच्छी कंपनी के अंदर चला जाऊंगा। फिर आपको पता चलता है कि यार आप तो वीजा चेंज नहीं कर सकते 2 साल के लिए। फिर आप जो जॉब रोल आपने अपनाया होता है टेक्नीशियन का, या फिर आप पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हो कम सैलरी, ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं जो कि डेमो सेशन के अंदर बड़े मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं, जो कि जनरल लर्निंग का हिस्सा है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि डेमो सेशन को आपने अटेंड करना है। तो कुल मिला के इंजीनियर की जिंदगी जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की 4 दीवारी से बाहर निकलने के बाद एक प्रॉब्लम का प्रॉब्लम ही रहती है, हमें बिल्कुल अवेयरनेस नहीं होती। मैंने डेमो सेशन के अंदर ये 2 वर्ड यूज किए हैं, अवेयरनेस इज एवरीथिंग। अवेयरनेस अपनी इंडस्ट्री के बारे में आपको क्या बताती है कि आपको इंडस्ट्री ट्रेंड क्या है, किस तरफ कौन से स्किल्स की आपको सीखने की जरूरत है। अब देखें बैक इन 2010 आई वाज द गाय हु वाज हैविंग सीजीपीए मे बी 2.4, मेरे से ऊपर सारी क्लास थी, ओके? बट मेरे पास एक चीज की अवेयरनेस थी कि मुझे यार यूएई के अंदर मूव होना चाहिए, ठीक है? मेरे पास थोड़ी सी अवेयरनेस थी, आई मूव टू यूएई और वहां पे मैंने एक टेक्नीशियन टाइप जॉब को मतलब अपनाया, 1 साल तक जॉब की और वहां पे अच्छे लोगों के साथ काम करने, इन्वायरमेंट था ना पाकिस्तान इंडिया या जो अपने कंट्रीज है, अच्छा इन्वायरमेंट था, तो मुझे पता चला मुझे स्किल सीखना चाहिए। एंड विद द लर्निंग ऑफ स्किल आई वाज पार्ट ऑफ ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री। सो अवेयरनेस इज मच मच ग्रेटर पावरफुल थिंग देन योर सीजीपीए। सीजीपीए इज ओके, मैं ये नहीं कह रहा आप कल को कोई हमारे फ्रेश ग्रेजुएट्स या यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के हाथ ये वीडियो लगती है वो पढ़ना छोड़ दें, आई नेवर एवर, मतलब मेरा ये मतलब ही नहीं है, मतलब सिर्फ ये है कि ये अच्छी चीज है, लेकिन इससे बहुत अच्छी चीज क्या है, अवेयरनेस, दैट हेल्प मी अ लॉट, ठीक है? तो ये कुछ मेरी एक जर्नी है। यहाँ पे भी जो सारे स्टूडेंट्स आए हैं वो यही सोच के आए हैं कि यार हमारे पास नौकरी नहीं है, हमें नौकरी मिल जाएगी ऑनलाइन अर्निंग के थ्रू, वो अपना जॉब कैरियर बना सकते हैं। यस, दे कैन डू इट। गल्फ कंट्रीज के अंदर जो एस्केप करने का तरीका है सबसे बड़ा, गल्फ रीजन के अंदर द बिगेस्ट थिंग इज स्किल लर्निंग और एक प्रॉपर जॉब हंटिंग। बहुत सारे लोग इस चीज का तासुर लेते हैं कि हम प्राइमावेरा P6 सीख लेंगे एंड वी विल मूव टू यूएई। इट्स टोटली लाई। प्राइमावेरा P6 पहले नंबर पे तो मैं अभी आपका माइंड सेट चेंज करने जा रहा हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले आज के बाद आपने ये टर्म यूज करनी है, प्लानिंग इंजीनियर। द वैल्यू इज नॉट अबाउट प्राइमावेरा P6, वैल्यू इज प्लानिंग इंजीनियर जॉब कैरियर। दिस इज ओनली अ स्मॉल टूल, ये प्राइमावेरा P6 इज अ स्मॉल टूल, इज अ एप्लीकेशन टूल। एक्सेल भी यूज कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट भी यूज कर सकते हैं, यूरोप की साइड पे जाएंगे तो प्रिंस 2 है, और भी चीजें हैं। प्राइमावेरा P6 ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है 60% इसकी ज्यादा डिमांड है,
बट ये क्या है, ये एक एप्लीकेशन टूल है। ये आपको थोड़ा सा साइड पे जो चीज नजर आ रही है ये देखे, ये प्राइमावेरा P6 है, ठीक है, बात समझ आ रही है। वैल्यू किस चीज की है यहां पे, अब आप क्या है प्लानिंग इंजीनियर, प्लानिंग इंजीनियर का जॉब रोल है, ये जॉब रोल है, ये स्किल है, यानी कि एक सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर मैं आपको ये चीज सिखाऊंगा प्लानिंग इंजीनियर। इसके अंदर प्राइमावेरा P6 का 25% पार्ट है, कौन कौन सी और चीजें, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग टू चेंज योर माइंडसेट। अब इसके अलावा एक स्टूडेंट ने बड़ी अच्छी बात की थी कि हमारे इस सेशन के अंदर बहुत सारे लोग हैं, कौन कौन से लोग हैं, सिविल इंजीनियर्स हैं, ठीक है, मैं थोड़ा सा लिख दूं, वैरायटी ऑफ पीपल। अब आपके जहन में होगा यार ये सारे लोग एक ही टीचर से पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स हैं, ठीक है, वैरायटी ऑफ इंजीनियर्स, केमिकल इंजीनियर्स भी होंगे। तो प्लानिंग इंजीनियर का मकसद क्या है, ये सब लोग प्लानिंग इंजीनियर बनने आए हैं, तो क्या ये कोई मतलब कुछ स्कैम है, क्या ये सारे इंजीनियर्स प्लानिंग इंजीनियर बन सकते हैं? यार बिल्कुल बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते, ठीक है, बन सकते हैं। क्या वजह है मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा, इसका माइंड सेट। जो सिविल इंजीनियर है ही इज गोइंग टू वर्क ऑन बिल्डिंग्स, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। मैकेनिकल इंजीनियर इज गोइंग टू वर्क ऑन ऑयल एंड गैस पाइपलाइन, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर उसी तरीके से अपनी फील्ड में, इंडस्ट्रियल इंजीनियर अपनी फील्ड में, बट हर फील्ड के अंदर काम करने के लिए यू नीड मैनेजमेंट एप्लीकेशन। मैनेजमेंट एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट अप्लाइंग मैनेजमेंट या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यू कांट गेट योर प्रोजेक्ट डन इन टाइम इन कॉस्ट, ठीक है। तो वही चीज क्या होती है, बिजनेस वैल्यू क्रिएट करती है, ठीक है। अब आप बैक ऑफ द माइंड कोई भी चीज रखें, अगर आप सिविल इंजीनियर है, चैट बॉक्स में एक दफा मुझे लिख के बता दें, चैट बॉक्स में एक दफा लिख के बता दें कि आप किस किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, या जो भी है, बिल्डिंग है, रोड है, प्लीज एक दफा पार्टिसिपेट लाजमी करें ताकि मुझे पता चले सब लोग एक्टिव है, सब लोग बता दें, बिल्डिंग, रोड, पेट्रोकेमिकल, फर्टिलाइजर, चैट बॉक्स में लिख के बताएं, सो दैट आई कैन मूव ऑन। मैं अगला पॉइंट आपको, जी जी जॉबलेस सिविल नो प्रॉब्लम, सब लोग बताएं, बिल्डिंग लाइन आ गई, फ्लाईओवर अंडरपास आ गया, बिल्डिंग रेनोवेशन, ठीक है, सब लोग जी, मेरे पास 16 लोग हैं, आई नीड 16 रिस्पॉन्सेज इन माई चैट बॉक्स प्लीज जल्दी से, ओके। तब तक मैं आप लोगों के लिए, अब आप जितने भी लोग हो ना, आप लोगों ने ये चीज समझनी है, ठीक है, मैं आप लोगों को ये आज का जो मंत्रा है, प्लानिंग का मंत्रा, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है, क्या है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। ये हमारे डेमो सेशन में भी है लेकिन यहां पे भी बता दूं, प्लानिंग एग्जीक्यूशन, ये मैं आपको आज इस अभी 5 मिनट के अंदर पूरी कोर्स आउटलाइन समझाने जा रहा हूं। माइंड मैपिंग क्या करने जा रहा हूं, माइंड मैपिंग, मॉनिटर एंड कंट्रोल, ये प्लानिंग इंजीनियर किस तरीके से काम करता है, एंड क्लोजिंग फेज, ओके। ये डेमो सेशन के अंदर भी एक्सप्लेन किया है बट हम अब एक प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से स्टार्ट हो चुके हैं तो मुझे एक और एंगल से आपको समझाना होगा। ये पूरी मैं कोर्स आउटलाइन जिस तरीके से एक प्लानिंग इंजीनियर काम करता है, आप एक माइंड स्टोरी की शक्ल में, तो हमारा जो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल है, बिल्डिंग बनती, रोड बनता, पाइपलाइन, पेट्रोकेमिकल, फर्टिलाइजर, व्हाट एवर प्रोजेक्ट वी हैव अ प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, दीज आर द 5 थिंग्स, जस्ट राइट डाउन ऑन योर नोटबुक, ठीक है, ये 5 चीजें हैं। इनिशिएट फेज के अंदर योर प्रोजेक्ट इज गोइंग टू बी प्रिपेयर्ड, आपका प्रोजेक्ट को प्रिपेयर किया जाता है, मतलब आपका, मैंने मतलब के आपके प्रोजेक्ट का जो क्लाइंट है, ओनर जिसको बोलते हैं, ठीक है, इज गोइंग टू हायर कंसल्टेंट, कंसल्टेंट इज एक्सपर्ट, एंड दीज टू पीपल आर गोइंग टू वर्क टूगेदर एंड दे आर गोइंग टू प्रिपेयर प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, आपकी कॉस्ट एस्टिमेशन, आपकी डिजाइन, आपकी जो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, ये प्रिपेयर किए जाते हैं, so that these two parties are going to hire the third person, developer, contractor or service company, तीनों नाम यूज कर सकते हैं, contractor, ठीक है। ये मैं आपको एक पूरा प्लानिंग फेज से पहले इनिशिएट फेज के अंदर, यानी कि आपके प्रोजेक्ट की ये तैयारी हो रही होती है इस बंदे को हायर करने के लिए, प्रिपेयर बेसिक डॉक्यूमेंट्स। ये मैं आपको एक क्या बता रहा हूं, क्या कन्वे कर रहा हूं, एक माइंड सेट। आप ये ना कहें यार ये केमिकल इंजीनियर कैसे सीख सकता है,
अब केमिकल इंजीनियर जरूर सोचे कि उसकी पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री लग रही है, प्लांट लग रहा है, उसकी टेक्सटाइल मिल रहा है, जो डेनम में भाई काम कर रहे हैं अली हसन, वो भी सोचेंगे, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे और भी जो भी इंजीनियर, वो सारे सोचे जब भी पहली दफा फैक्ट्री लगेगी, पहली दफा आपका प्रोजेक्ट लगेगा, तो ये इनिशिएट फेज के अंदर ये बंदे ये वाली कार्रवाई डाल रहे हैं टू हायर दिस पर्सन बाय प्रिपेयरिंग बेसिक प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स। इनमें आपकी कॉस्ट आ जाती है, आपका डिजाइन आ जाता है, आपके बिल्डिंग डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट अवार्ड हो गया कंट्रैक्टर को, नाउ अनदर स्टोरी विल बी स्टार्टेड इन द प्लानिंग फेज, दिस फेज विल बी स्टार्टेड। अब आपका माइंड सेट थोड़ा सा काम करना शुरू करेगा। प्लानिंग फेज नाम से ही जाहिर है, कंट्रैक्टर इज गोइंग टू मेक प्लानिंग, किस चीज की प्लानिंग, नॉट अबाउट फैमिली प्लानिंग, नॉट अबाउट वेडिंग प्लानिंग, इट्स अबाउट प्रोजेक्ट प्लानिंग, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन है, कैसे प्लान करना है। आपको जब प्रोजेक्ट अवार्ड किया जाता है तो कितनी टोटल कॉस्ट बताई जाती है ना, लिखी होती है, अच्छा जी हमारा प्रोजेक्ट इतने कॉस्ट का टोटल, इतने टाइम के अंदर करना है, ऐसा ही है ना, कुछ कंडीशंस बता दी जाती है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखी होती हैं। अब इस प्लानिंग फेज के अंदर कंट्रैक्टर साहब इज गोइंग टू स्प्लिट दिस कॉस्ट, इज गोइंग टू स्प्लिट दिस टाइम, मे बी 2 साल का टाइम है पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, ये $1 मिलियन का प्रोजेक्ट है, ठीक है। सो इन दिस फेज, इन प्लानिंग फेज, दिस कंट्रैक्टर इज गोइंग टू स्प्लिट दिस $1 मिलियन 2 ईयर्स इंटू स्मॉलर कंपोनेंट्स। इसकी प्रॉपर तरीके से प्लानिंग की जाएगी जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पे बता दू, ये देखे ये नजर आ रहा है, ये क्या नजर आ रहा है आपको, ये देखे ये आपको साइड पे, ये साइड पे बिल्डिंग नजर आ रही है, ये आपको एक एक काम अलग अलग से किया हुआ, यानी कि ये देखे इनवेलप बनेगा, कितने दिन लगेंगे, कितने पैसे लगेंगे, ये पूरा एक डिटेल के अंदर, ये एक सैंपल है जस्ट टू मेक श्योर के इस तरीके, ये एक चीज है जहां तक हमने पहुंचना है, बट हाउ टू डू दैट, किस तरीके से होगा प्लानिंग फेज के अंदर ये काम किए जाते हैं, ये यहां तक स्टोरी है ना जेन में, अब यस लिखते हैं यार कोई मसला नहीं, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं। अच्छा प्लानिंग के अंदर क्या होगा, आप यस लिखते जाएंगे, मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है कि लोग मेरे साथ साथ चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा प्लानिंग के अंदर ना ये होता है कि आपने सबसे पहले क्या करना होता है, इसमें आपकी प्लानिंग किस हिसाब से होती है, आपकी स्कोप मैनेजमेंट होगी, आपकी टाइम मैनेजमेंट होती है, आपकी कॉस्ट मैनेजमेंट होती है, आपकी रिसोर्स मैनेजमेंट होती है, ठीक है, ये आपकी मेजर मैनेजमेंट एरियाज हैं जिनको आपने मैनेज करना होता है, ठीक है, ये वाली प्लानिंग फेज के अंदर। फिर आपने इन सबको इंटीग्रेट करना है जिससे आपका वर्क प्रोग्राम बनता है, प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, स्कोप तैयार करना, ये हम डिटेल में जाएंगे, अभी आप इस टेंशन में ना जाएं, पता नहीं कैसे करना है, अभी जस्ट आप उसके चीदा चीदा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखते जाएं। प्लानिंग के अंदर स्कोप मैनेजमेंट करेगा प्लानिंग इंजीनियर अपने प्रोजेक्ट की, टाइम को कैसे स्प्लिट करना है, टाइम मैनेजमेंट कह लें, पैसों की मैनेजमेंट, रिसोर्स लोग काम करने वालों की मैनेजमेंट, इंटीग्रेशन मैनेजमेंट का मतलब कि इसमें सब कुछ मिला देना कि स्कोप टाइम पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पैसों पे, पैसे रिसोर्स, मतलब हर एक चीज दूसरी चीज पे डिपेंड कर रही है, इसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन मैनेजमेंट। तो प्लानिंग फेज के अंदर ये काम किया जाता है। इसका आउटपुट क्या होता है, ये तो इनपुट है ना, आउटपुट क्या होता है, वर्क प्रोग्राम, क्या होता है, वर्क शेड्यूल, क्या होता है, वर्क शेड्यूल। अभी आप ये वर्क शेड्यूल क्यों चाहिए होता है, अब सारे मैकेनिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सर जोड़ के बैठे और बताएं, चैट बॉक्स में बताएं मुझे सारे लोग, व्हाई वी नीड वर्क शेड्यूल। अच्छा क्या ये वर्क शेड्यूल सिर्फ सिविल के प्रोजेक्ट्स में चाहिए, मुझे सारे लोग बताएं दोबारा से, क्या ये वर्क शेड्यूल सिर्फ सिविल के प्रोजेक्ट्स में चाहिए कि इलेक्ट्रिकल वाले भी बताएं, मैकेनिकल वाले भी बताएं, जो भी इंजीनियर्स हैं, क्या आपके प्रोजेक्ट्स में वर्क शेड्यूल चाहिए होता है कि नहीं चाहिए होता? कैन यू प्लीज राइट डाउन इन चैट बॉक्स एरिया, जो एक्सपीरियंस है लोग जो इस सेशन का हिस्सा है। अच्छा वर्क शेड्यूल के बगैर हम काम कंप्लीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये बताएं। अच्छा मैं इसको थोड़ा सा, आई एम राइटिंग हेयर वर्क शेड्यूल, ठीक है, क्या वर्क शेड्यूल के बगैर आपका काम हो सकता है कि नहीं, ये मुझे एक छोटी सी पहेली है, ये सुलझा दें जल्दी से। अगर हम वर्क शेड्यूल नहीं बनाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, मैं बताता हूं, आपके एक प्रोजेक्ट के ऊपर डिफरेंट तरह के डिपार्टमेंट काम कर रहे होते हैं, जैसे कि आपका काम कर रहा है डिजाइन डिपार्टमेंट, काम कर रहा है प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, काम कर रहा है कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस ऑपरेशन रिलायबिलिटी वेयर हाउस मेंटेनेंस, ठीक है, कितने डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, तो ये सारे डिपार्टमेंट आपस में टीम वर्क, टीम वर्क इज द की टू सक्सेस ना, तो ये टीम वर्क कैसे होगा जब आप एक पेज पे होंगे, जब आप एक पे, सुना ना ये हम एक पेज, तो एक पेज पे कब आते हैं, जब आपके पास एक तरह का वर्क शेड्यूल होगा, जब आपको पता है कि हमने यहां पे लिखा होगा, ये देखे कि 10 मई को हमने
प्री कास्ट स्ट्रक्चर इरेक्ट करना है, तो सारे डिपार्टमेंट्स को पता होगा। ये देखिए बड़ी सामने की एग्जांपल है, जब पता होगा कि 10 मई को हमने क्या करना है, एक प्री कास्ट स्ट्रक्चर इरेक्शन करनी है, ठीक है। तो रिस्क ये जितने भी हैं, प्रोक्योरमेंट वालों को भी पता है हमने प्रोक्योरमेंट करनी है, डिजाइन वालों को पता है डिजाइन तैयार होना चाहिए, कॉस्ट मैनेजमेंट, मेंटेनेंस, मतलब सबको पता होगा तब जाके ये काम कंप्लीट होगा। तो टी वर्क शेड्यूल इज इंपॉर्टेंट थिंग फॉर दैट रीजन। तो प्लानिंग फेज के रिजल्ट में क्या बनता है, एक वर्क शेड्यूल बनता है। अब सिर्फ वर्क शेड्यूल नहीं बनता, ये लिखते जाए, एक वर्क शेड्यूल होता है जिसमें आपकी काम के सिलसिले में चीजें होती हैं, कैश फ्लो होता है दैट इज गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट योर प्रोजेक्ट, मनी यूटिलाइजेशन ट्रेंड कि आपका कैसे पैसा खर्च होगा, रिसोर्स डिप्लॉयमेंट कि आपके प्रोजेक्ट पे किस तरीके से रिसोर्सेज लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये मेजर चीजें होती हैं आपके प्रोजेक्ट पे जो कि प्लानिंग फेज के एंड पे, इससे पहले इसकी इनपुट क्या थी, स्कोप मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, आउटपुट ये होती है। अब ये डॉक्यूमेंट तैयार करने के बाद इसको हम बेसलाइन भी कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, बेसलाइन, या फिर आप कहते हैं प्लानिंग पैकेज। प्राइमावेरा P6 की लैंग्वेज में बेसलाइन कहेंगे, जो हम प्लानिंग इंजीनियरिंग कम्युनिटी के अंदर बात करते हैं, जब सारे डॉक्यूमेंट जमा करके क्लाइंट को जमा करवाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, प्लानिंग पैकेज। ये जॉब इंटरव्यूज के अंदर चीजें पूछी जाती हैं, इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूँ, प्लानिंग पैकेज। प्लानिंग पैकेज के अंदर क्या होता है, प्लानिंग फेज के एंड पे जब प्लानिंग इंजीनियर इज डन विद प्लानिंग, ही इज प्लानिंग फेज के एंड पे व्हेन ही इज गोइंग टू अप्लाई हिज नॉलेज ऑफ स्कोप मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, एंड ही इज गोइंग टू प्रिपेयर योर वर्क शेड्यूल, कैश फ्लो, या इसको एस कर्व भी कहते हैं, कैश फ्लो या एस कर्व, ये लिख लें, बड़ी सिंपल सी चीजें हैं ये, ठीक है। एंड रिसोर्स डिप्लॉयमेंट, ये तीन चार तरह के डॉक्यूमेंट्स को बेसलाइन भी कहते हैं, प्लानिंग पैकेज भी। ये किसके पास जाते हैं, क्लाइंट के पास। अब ये कहलाता है मेरा माइंड मैपिंग, जिसको मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा हूँ। ये कंट्रैक्टर साहब किसको जमा करवाते हैं, या ठेकेदार साहब या डेवलपर कंपनी, क्लाइंट और कंसल्टेंट को जमा करवाते हैं। क्लाइंट क्या करता है, इसको रिव्यू करता है, अगर इसमें चेंज करना हो तो वो अपनी इंस्ट्रक्शंस दे देगा कि यार ये चीजें चेंज करो, ये वर्क शेड्यूल के अंदर ये काम पहले कर लो, ये इस तरह से कर लो, ये मेरी रिजर्वेशन है, तो चेंज करके दोबारा सबमिट करवाया जाता है, और सबमिट करवाने के बाद अप्रूवल दे दिया जाता है। प्रोसेस समझ आ रहा है, ये प्लानिंग फेज का प्रोसेस, बड़ी सिंपल सी चीज है, कोई इतना ये लेंथ, जिस तरह से हमारी जिंदगी के अंदर मसले मसाइल चलते हैं उसी तरीके से इंडस्ट्री के अंदर। अप्रूवल हो गया, अब इस अप्रूवल के बाद क्या होगा, प्लानिंग फेज खत्म, डन, प्लानिंग फेज हो गया, अब नेक्स्ट फेज स्टार्ट हो जाएगा, एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन फेज। इस फेज के अंदर सबसे पहले क्या होता है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, रिसोर्सेज, जो भी आपके प्रोजेक्ट के लोग काम करेंगे वो साइट के ऊपर मोबिलाइज कर देंगे, साइट के ऊपर ऑफिस सेटअप कर दिए जाते हैं, कि मतलब कारवान रख दिए जाते हैं, ऑब्वियसली वहां पे अपने साइट पे रिसोर्सेज डिप्लॉय करने हैं, ऐसा ही है ना। तो एग्जीक्यूशन में क्या होता है, प्रैक्टिकल काम शुरू हो जाता है आपकी साइट के ऊपर, ये साइट के मुताबिक ये जो भी प्लान हमने यहाँ पे तैयार किया इसको इम्प्लीमेंट करना है, ये पूरा प्लान जो है इसको हमने इम्प्लीमेंट करना है, तो हमारा साइट पे काम स्टार्ट हो जाता है। अब एग्जीक्यूशन के दौरान ही पैरेलल यू आर गोइंग टू स्टार्ट ऑटोमेटिकली मॉनिटर एंड कंट्रोल फेज। मॉनिटर फेज के अंदर क्या होता है कि जो साइट के ऊपर लोग बैठे हैं दे आर गोइंग टू रिपोर्ट यू, कौन सा काम हो गया, कौन सा काम नहीं हुआ, कितना हुआ, सो दैट फेज वुड बी कॉल्ड मॉनिटरिंग। हम क्या करेंगे, ये डाटा हमारे पास आएगा, इस डाटा के मुताबिक जो प्लानिंग इंजीनियर है प्राइमावेरा P6 के अंदर अपडेट करेगा, प्रोग्रेस रिपोर्ट जनरेट की जाएगी, और उस प्रोग्रेस रिपोर्ट की बेस पे आप एक अपना डिसीजन करोगे, यानी कि हमारा प्रोजेक्ट अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है। अभी जस्ट यही चीजें मैं आपको बता सकता हूँ, जब पढ़ेंगे तो डिटेल के अंदर आ जाएगी चीजें, उसको हम कहते हैं कंट्रोलिंग। मॉनिटर एंड कंट्रोल का समझ आ गया, प्रैक्टिकल एक तो हमारे पास प्लानिंग के तौर पे एक हमारा अपना प्लान है ना, जैसे हम दोस्त चार दोस्त मिलके एक प्लान बनाते हैं कि हमने मरी जाना है, इस्लामाबाद जाना है, ठीक है, विजिट विजिट के लिए या सैर सपाटे के लिए, तो हम प्लान क्या करते हैं, हम कहते हैं यार हमारा 40,000 रुपए का ये प्लान है, ठीक है, 40,000 रुपए में हो जाएगा और 7 दिन के अंदर हम होके आएंगे, ये हमारा प्लान है, और गाड़ी मतलब जो भी है ये, मैं अभी मेजर दो चीजें, जब हम जाके आएंगे तो फिर हमें आइडिया होगा ना, ये तो 50,000 रुपए लग गया और हमें 7 दिन की बजाय हम तो वहां पे 10 दिन लगा आए। बिल्कुल इसी तरीके से प्लानिंग के अंदर जो डॉक्यूमेंट है वो बेसलाइन है, वो सेव है,
एग्जीक्यूशन के अंदर जो जो काम होंगे वो कहलाएगा आपका एक्चुअल डाटा। अब दोनों को कंपैरिजन में लेके आएंगे, जिस तरह क्रिकेट के अंदर क्या होता है, एक टीम खेल रही होती है ये वाला ग्राफ बनेगा, और दूसरी टीम जब खेलने के बाद दोबारा खेलती है तो इस तरह का ग्राफ बनता है ना। तो कंपैरिजन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर भी इसी तरीके से होगा, ये प्लानिंग का डाटा है, ये आपका एक्चुअल डाटा है, एंड यू कैन मेक द कंपैरिजन, हमने सोचा क्या था और हम कर क्या रहे हैं। सो दैट इज मॉनिटर एंड कंट्रोल फेज। और आखिर में फिर आ जाता है आपका क्लोजिंग फेज, जब आपका प्रोजेक्ट एंड पे जाता है, दैट वुड बी क्लोजिंग डॉक्यूमेंट्स, हैंडिंग ओवर, टेकिंग ओवर, व्हाटएवर। सो दीज आर द फाइव मेजर थिंग्स वी हैव टू कवर फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ प्लानिंग इंजीनियर। अब आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, बीइंग अ सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, जो भी आपकी फील्ड है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, लॉजिक। हमने क्या समझना है, इट डजंट मैटर, लॉजिक प्लस प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब हम ये दोनों चीजें समझ लेंगे, प्रोसेस और लॉजिक, इसको समझने के लिए हमें मैनेजमेंट, ये मैंने डेमो सेशन के अंदर भी बताया, इसलिए दोबारा रिवाइज कर रहा हूं कि आप क्या करेंगे, इसको रिवाइज भी करेंगे, मैनेजमेंट, प्रोडक्ट, ठीक है, फिर आ जाता है प्राइमरा P6, फिर आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए, फिर आ जाता है आपका स्पीकिंग स्किल्स। देखिए, आप सिविल इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल प्लानिंग इंजीनियर बनने के लिए एवरीबडी नीड टू अंडरस्टैंड सेम नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, सेम नॉलेज ऑफ प्राइमरा P6, सेम नॉलेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेम नॉलेज ऑफ स्पीकिंग स्किल्स, बट ओनली द डिफरेंस इज प्रोडक्ट ओरिएंटेड साइकिल विच आई विल ट्रेन यू पीपल। अगर बिल्डिंग बनाएंगे तो किस तरीके से ये वाला नॉलेज आपको गेन करना है, रोड बनाएंगे, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री बनाएंगे, सो वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बट एज अ मैकेनिकल इंजीनियर, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं, ठीक है, तो मैंने सिविल के प्रोजेक्ट्स भी किए हुए हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एवरीथिंग आई हैव डन इन माय दिस 12 टू 14 इयर्स ऑफ फील्ड एक्सपीरियंस। व्हाई? बिकॉज़ आई वाज नॉट, मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट हावी नहीं होने दिया अपने ऊपर कि यार ये बहुत बड़ी चीज है। नो, दिस इज वेरी सिंपल थिंग। ये तो आज के दौर में आप इतने लकी हैं कि आप तो चैट जीपीटी की मदद से बहुत सारा डाटा जो है, जो आपने नहीं भी काम किया वो भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आज के सेशन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, एक तो आपने चैट जीपीटी के ऊपर साइन अप करना है, एवरीबडी ये थोड़ी सी चीजें लिख लें, साइन अप चैट जीपीटी, फ्री वर्जन, नॉट पेड वन। लिंक्डइन को यूज करना शुरू करना है, दिस इज फॉर जॉब हंटिंग, लिंक्डइन, ताकि अच्छी अपॉर्चुनिटीज आए। एंड ट्राई टू मेक योर ATS CV, ट्राई टू लर्न अबाउट ATS CV फ्रॉम दिस चैट जीपीटी, क्योंकि चैट जीपीटी को यूज करते हुए आप प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे तो बहुत सारी चीजें सीखेंगे, लेकिन एक जॉब हंटिंग परस्पेक्टिव से भी बहुत सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे जस्ट आपने आज चैट जीपीटी पे जाके साइन अप करना है और उसको पूछे व्हाट इज ATS CV, जस्ट ये लिखे, यू विल कम टू नो। आपने एक ATS CV डिवेल्प करनी है, लिंक्डइन का प्रोफाइल थोड़ा सा एक्टिवेट करें, लोगों को एड करें, कंपनीज को लिस्ट बनाए, मैंने डेमो सेशन के अंदर भी बताया। तो ये चीजें डेमो सेशन को भी रिवाइज करके ये चीजें अपनी अपडेट करनी है। सो दैट्स इट, एक इंट्रोडक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू से आज के सेशन में इतना ही है। इंशाल्लाह अभी आने वाले सेशन के अंदर कल हम मजीद इसको आगे प्रोसीड करेंगे, किस तरीके से हम अपने प्लानिंग फेज के अंदर चीजों को स्टार्ट करेंगे एज अ प्लानिंग, ठीक है। और